क्योंकि चलिए अभी अब डेमो ही आपको करवा के दिखलाते हैं। आप लोग का बहुत रिकमेंड था और बहुत आप लोग कमेंट करते थे कि ये कहाँ पे बनता है और इसका कितना प्राइस है और ये सर्विस कैसा देता है। जैक पहले सेट कीजिए इसको। कितना हाइट तक उड़ सकता है ये? लास्ट इससे ज्यादा नहीं उड़ सकता है। चलिए मिट्टी लोड कीजिए, इसको डाउन कीजिए और हल्का सा और उठेगा। जमीन में डालिए, डालिए और नजदीक से बूम को दबाइए, दबाइए और ठीक है, इसको दाबिए, इसे दाबिए, इसे हाँ उठाइए, बैलेंस कीजिए पहले। पूरा लोग आना चाहिए, तो किसान भाई आप देख सकते हैं कि ये लाइव डेमो चल रहा है और बड़े आसानी के साथ, ये बहुत बंजर जमीन है और उसको ये खनने में जरा सा भी ट्रैक्टर का जो आरपीएम है वो ड्रॉप नहीं कर रहा है। और आप लाइव देखिए और जरा विस्तार से, एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा हमें ये बताइए कि ये कितना फीट तक गहराई दे सकता है? ये 7 फीट तक गहराई दे सकता है। ये 7 फीट तक गहराई दे सकता है, लेकिन आपका जो ये मैकेनिक ड्राइवर है वो जरा मतलब ट्रेंडिंग टाइप से नहीं चला रहे हैं वो। क्या ठीक है, अच्छे से उसको और खड़िए। ये भी एजेंसी का स्टाफ ही है, बस डेमो आपको दिखा रहे हैं। उनको उनको दीजिए, पूरा। अच्छा इससे हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर सकते हैं, जैसे कि बालू गिट्टी हो गया, वैसा चीज को उठा सकता है ये? हाँ उठा सकता है। बंजर जमीन को भी खन सकता है ये? बंजर जमीन को खनने के लिए, हाँ बंजर जमीन को खन सकता है, लेकिन पक्का जमीन होगा वो नहीं खन सकता। पक्का तो जेसीबी भी नहीं खन पाता है, बंजर जमीन को आसानी से खन सकता है, इसके पास उतना क्षमता है, कैपेबल है उतना क्षमता है। तो ये अटैचमेंट करवाने के लिए कितना देर लगता है ट्रैक्टर पे अटैचमेंट करवाने के लिए? अटैचमेंट करवाने के लिए लगभग समझे ना कि 4 से 5 घंटा लगता है मात्र। अच्छा ये आपकी एजेंसी में अवेलेबल रहता है या कहीं से आप मंगवाते हैं? अवेलेबल रहता है, अवेलेबल रहता है। ये अवेलेबल है तो अभी तो कस के रखा हुआ है। और ये किसान भाई अगर लगवाएंगे और किसी जैक में अगर प्रॉब्लम आ गया उनको, आपके एजेंसी पे इसके पार्ट्स अवेलेबल रहता है? अवेलेबल है, क्या पार्ट्स स्पेशल अवेलेबल है इसके लिए। तो ये कितना देर तक ये कटिंग कर सकता है और गाड़ी पर कोई इफेक्ट है, हाइड्रोलिक नहीं पड़ सकता है?
ये लगभग समझिए कि अगर सुबह में आप शुरू करते हैं तो शाम तक भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 12-13 घंटा लगभग आसानी से कर सकते हैं। हाँ आसानी से, लेकिन ये अनट्रेंड होने के कारण ऐसा है, लेट ये अनट्रेंड है, एजेंसी के स्टाफ है इसके लिए स्पेशल जो है पूल का जो मैकेनिक आता है वो डेमो दिखाता है जी। वो मैकेनिक अभी अवेलेबल मेरे पास नहीं है, वो रहते तो स्पेशल डेमो आपको दिखा देते हैं। तो इस पे आप ऑफर वगैरह कुछ करते हैं कि नहीं, जैसे फेस्टिवल में जैसे अभी विश्वकर्मा पूजा हो रहा है? हाँ करते हैं, और जैसे कि आने वाला जो रबी फसल और चाहे खरीफ फसल जब होता है उस टाइम आप ऐसे ऑफर देते हैं कि नहीं किसान को? सीजन वाइज कस्टमर को ऑफर दिया जाता है, जैसे छठ आ गया, दिवाली हो गया, धनतेरस वगैरह हो गया, ये विश्वकर्मा पूजा हो गया, ये सब के फेस्टिवल पे जो है ऑफर दिया जाता है कस्टमर। इसका गारंटी वगैरह देते हैं कि नहीं? इसका गारंटी देते हैं 6 महीना या 500 घंटा। 6 महीना या 500 घंटा। ये कितना एमएम का है बता सकते हैं, कितना फीट का होगा ये? इसका लंबाई हाँ? लंबाई पूरा लगभग ये 10 के आसपास में होगा, वहाँ से वहाँ तक। हाँ जरा ये बताइए हमें कि ये एग्रीकल्चर काम के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है? एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल। इस पे थाना प्रशासन और चाहे खान विभाग को अटैच नहीं कर सकता है क्योंकि ज्यादा डीप नहीं लेता है ये? नहीं उतना नहीं हो पाया क्योंकि पर एग्रीकल्चर के लिए है। हाँ ये एग्रीकल्चर के लिए दिखा। तो किसान भाई के लिए ये गिफ्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे बेटर? बहुत बेहतर है किसान भाई के लिए अगर देखा जाए तो, बहुत बेहतर है। जैसे में बहुत सारे ऐसा लफड़ा पड़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, किसान भाई के लिए तो ये सुनहरा मौका है कि उनको जेसीबी खरीदने की उतनी क्षमता नहीं है तो ये लेकर के आप आसानी से इस्तेमाल वो कर सकते हैं, मजा वही देगा। बस यही है कि जेसीबी में 40-50 लाख लगाइएगा तो उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा, और ये 11.5 लाख में जो है थोड़ा सा उसका स्पीड इससे उससे ये कम रहेगा। हाँ बजट का भी तो अंतर है। लेकिन आपने जो बोला कि ये घंटा में 2 किलोमीटर डीजल लेता है, ये इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 4 किलोमीटर का गाड़ी है जी, और लोड काफी इस पे कम है? बहुत कम है, बहुत कम, बिल्कुल कम है, इसीलिए तो आपको बताया गया। तो आप ऐसे अपने एजेंसी से कैसे ये मशीन कितने डिलीवर कर चुके हैं? ये 2 डिलीवर्ड हो गया, ये तीसरा होने वाला है। तीसरा होने वाला जी। कितना देर का हुआ है? 7 मिनट। 7 मिनट का हो गया? नहीं अभी का कितना हुआ है? 4। 7 मिनट, 3 मिनट और करो। और गड्ढा कीजिए। अब बूम गिराइए, बूम और नीचे गिराइए अंकित। क्या आपको लेने का इच्छा है? क्या आप हराई देख रहे हैं? हम इसको देख रहे हैं, हमको लेने का पसंद है, नाला वाला चीरने के लिए। लेकिन आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपको टी शर्ट पर महिंद्रा का लोगो लगा हुआ है, क्या गारंटी है, क्या एजेंसी का है? ट्रैक्टर जो लिए हैं आज के दिन में 17 सितंबर का, हाँ उसमें टेसेट मिला है। अच्छा सोचे मैं भी अपना गाड़ी पर एक आए ने सेट करा ले, मतलब ये देखते देखते आपका चार्ज भी हो गया है, लगवा सकते चार्ज हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार वासु। अच्छा तो ये आप कौन सा ट्रैक्टर खरीद रहे हैं आज? हम 475 लिए हैं 12 क्लच। अच्छा इसीलिए आपके मन में ख्याल आ रहा है? इसीलिए थोड़ा हम देख रहे हैं, डेमो तो ये करके दिखा रहे हैं कोई और चीज के, लेकिन आपको कैसे इसमें मन अपने लगा? हम देख रहे हैं से बहुत कारगर चीज है। तो आपके हिसाब से खनाई अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है? अच्छा कर रहा है, थोड़ा गहराई हमको दिखाइए सर। गहराई? ड्राइवर साहब इसको जरा गहराई दिखाइए। तो हम थोड़ा चला के देख सकते हैं? एक मिनट। बस रहने, आप लोग को हम भी डेमो करके दिखाते हैं, आज हम भी एक किसान हैं, तो देखते हैं कि हमसे चलेगा या नहीं।
जक और दबाया गई किसान भाई, जैसे आप देख रहे हैं कि ये ट्रैक्टर का चक्का जो आगे आ रहा है, इसमें जो ड्राइवर साहब है ना एजेंसी के, वो हैंड ब्रेक नहीं लगाए थे, इसके चलते ये रेट पता चला। यही कमी था, ऐसे